नमस्कार दोस्तों, मैं लावण्या एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका। और आज हम बात करेंगे अपने कुछ इंडोर प्लांट्स के बारे में कि इंडोर प्लांट्स जो हमारे घर में होते हैं, हम सबके घर में होते हैं, उनको हम कैसे देखभाल करें कि उनके रंग निखर कर आएँ, उनके पत्ते फिर जो खूबसूरत कलर्स हैं वो निखर कर आएँ और वो पौधे हमेशा इसी तरह से हरे भरे रहें, उनको हम क्या फीड दें कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए ये है मेरे कुछ इंडोर प्लांट्स। जैसे ये मेरे पास एग्लोनीमा की 3 वैरायटीज़ हैं और एग्लोनीमा प्लांट्स हो या कोई भी इंडोर प्लांट्स हो, स्पाइडर प्लांट्स हो, कैलेडियम हो या कोई भी आपके पास सिंगोनियम वगैरह हो, किसी भी तरह का आपके पास कोई भी अगर इंडोर प्लांट्स है तो सबसे पहले हमें उन्हें ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए लेकिन ब्राइट सनलाइट उन्हें मिलती रहे। अगर आपके इंडोर प्लांट्स को ब्राइट सनलाइट मिलती रहेगी तो आपके इंडोर प्लांट्स के जो कलर हैं वो और भी निखर कर आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरा कैलेडियम का कलर है, ये देखिए कितना ब्राइट आया है, क्योंकि इस पर धूप की जो रोशनी है, जो उसकी एसेंशियल ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रही हैं, जिस वजह से इस कैलेडियम का रंग निखर के आया है। और उसी तरह से देखिए इस पर ये एग्लोनीमा है मेरा, एग्लोनीमा का भी ये एग्लोनीमा शायद वैलेंटाइन है ये, तो इसका रंग भी ये निखर कर आया है। तो उसी तरह हमने अपने जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, जो भी इंडोर प्लांट्स हमारे पास हैं, उन्हें हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी ना पड़े लेकिन रोशनी हमें पर्याप्त मात्रा में मिले। अब बात करते हैं कि इनको पानी कैसे देना है। तो आपके किसी भी तरह के इंडोर प्लांट्स के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपके गमले की मिट्टी 2 इंच तक सूखी ना हो। देखिए जैसे ये मेरा एग्लोनीमा का प्लांट है, इसमें अलग मॉइस्चर मेंटेन है। ये देखिए अगर मैं 2 इंच तक उंगली डालती हूँ तो मेरे ये देखिए ये उंगली मेरी गीली हुई आती है, तो इसमें अभी मुझे पानी नहीं देना है। तो किसी तरह के आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपके गमले की ऊपरी सतह 2 सेंटीमीटर तक अगर सूख जाती है तभी आप उसमें पानी दें, वरना आप उसमें पानी ना दें। अब बात करें कि इन्हें हम किस मौसम में लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट लगाने का कोई एक मतलब पर्याप्त मौसम नहीं हो सकता है, आप साल के 12 महीनों जब चाहें आपको जिस वैरायटी के भी पौधे मिले आप लगा सकते हैं अपने इंडोर पौधे। कुछ इंडोर पौधे होते हैं जो बल्ब से लगाए जाते हैं, जैसे आपका कैना लिली का पौधा हो गया, आपका पीस लिली का पौधा हो गया और ये कैलेडियम वगैरह हो गए। ये भी जो बल्ब वाले प्लांट्स हैं ये आपको बल्ब से ही लगाए जाते हैं, ये बल्ब वाले प्लांट हैं, ये बल्ब से ही लगाए जाते हैं। इंडोर प्लांट्स को लगाने के लिए, इंडोर प्लांट की ग्रोथ के लिए जो मौसम होता है वो ऐसा होता है कि ना बहुत ज़्यादा ठंड हो और ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो। जब आपके मॉइस्चर में ह्यूमिडिटी रहती है, जब आपका जो वायु आसपास का जो टेम्परेचर होता है उसमें प्रॉपर ह्यूमिडिटी रहती है, तब आपके इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं और उस सीज़न में इनकी ग्रोथ भी होती है। जुलाई से लेकर सितंबर का जो महीना होता है, जो मॉनसून का महीना होता है, जिसमें बारिश भी होती है, बारिश के बाद धूप निकलती है, तो जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इनको बढ़ने के लिए हमें खाद क्या देनी है, तो इनको अगर हम अच्छी फीडिंग देना चाहते हैं तो आप कम से कम 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट लीजिए और 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट में 2 टेबलस्पून माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 2 टेबलस्पून बोन मील पाउडर, आप इन तीनों को आपस में मिला लीजिए और उसके बाद एक एक चम्मच आप अपने प्लांट्स में दे दीजिए। ये जो एक एक चम्मच का फर्टिलाइज़र होगा ये आपके 30 दिन के इंटरवल पे होगा। आप 30 दिन में, महीने में एक बार या 40 दिन में एक बार आप ये खाद अपने इंडोर प्लांट्स को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी सारी की सारी और आपके प्लांट्स हरे भरे रहेंगे, रंग आपका प्लांट्स का निखर कर आएगा और आपके प्लांट्स आपके घर को खूबसूरत बनाएंगे। सबसे अच्छी बात ये होती है इंडोर प्लांट्स की कि भले ही इनमें फूल नहीं निकलते हैं लेकिन इनका जो कलर्स होता है, क्रोटन्स हैं, इनकी पत्तियां ही इतनी खूबसूरत होती हैं कि इनमें अगर फ्लावर्स ना भी हों तो भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत से लोग क्रोटन्स को आउटडोर रखते हैं, बट मैंने क्रोटन्स को ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पे मुझे मेरे गार्डन में, मेरे बालकनी गार्डन में रखा हुआ है, वहाँ पे इन्हें देखकर 2 घंटे की इनफ धूप मिलती है और सारा दिन इन्हें अच्छी पर्याप्त रोशनी मिलती है, जिस वजह से मेरे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हैं। तो गाइस आपको भी इसी तरह अपने इंडोर प्लांट्स की केयर करनी है, पानी का ध्यान रखना है, महीने में एक बार फीडिंग करानी है। आप चाहें तो इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र महीने में एक बार लिक्विड खाद के रूप में दे सकते हैं।
बाकी इंडोर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इन्हें महीने में एक बार भी फीड कराते हैं तो आपके प्लांट्स अच्छे चलते हैं। फोलियज स्प्रे करते रहिए, पानी से अपने पत्तों को हमेशा साफ करते रहिए जिसकी उनकी फ्रेशनेस बनी रहे। एग्लोनिमा के प्लांट वगैरह पे एक बार आप कॉटन से वाइप भी कर सकते हैं जिससे उनकी चमक बनी रहेगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनके यूज़ करके हम अपने इंडोर प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।